रात के 2 बजे भी मोदी योगी जैसी नेता को हमारी गर्दन हाजिर है। योगी जी आगामी प्रधानमंत्री है भारत का, लिख करके रख लेना। ऐसी पट्टी पढ़ाई उन दाढ़ी वालों ने, ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि ये संविधान को ना मान करके शरीयत को मानते हैं। किसको मानते हैं? शरीयत को मानते हैं। इनको एकमात्र सिर्फ वोटों से मतलब है और वोटों के बाद सिर्फ नोटों से मतलब है। इनको कोई मतलब नहीं है देश से। ये 300-400 करोड़ रुपया खर्च करके सैफई में प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर जैसों का, और वह कौन कौन से लोग हैं उनका डांस कराते थे, भद्दा भोंडा। आप विचार करो, जो महिलाएं भी देख नहीं सकती ऐसा डांस कराने के 100-100 करोड़ इन्होंने पेमेंट किया है। अगर जामा मस्जिद से एक मौला या मौलवी का फतवा जारी हो गया तो 100% वोट एक जगह चला जाता है। भारत की किसी भी जाति में ऐसा नहीं है। मुल्ला मुलायम अखिलेश लालू कितनी भी कोशिश कर लें, 100% इनके यादव के वोट इनके बाप को भी मिल नहीं सकते। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, मुसलमान भी जानते हैं कि यह सिर्फ हमारा उपयोग करते हैं, यूज एंड थ्रो। हमसे काम निकाला, बस फिर उनके बारे में कोई विचार नहीं करना। इसने किया था, इन लोगों ने सन 1947 से लेके आज तक एकमात्र अपने कुकर्मों के द्वारा, अपने गलत निर्णयों के द्वारा देश को अनंत क्षति पहुंचा करके मात्र मुसलमानों को खुश करने का, गाफिल करने का प्रयास किया है। मैं याद है जब अखिलेश मुख्यमंत्री था तो उस समय इसने सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए, उनको 100% खुश करने के लिए इसने कांवड़ यात्रा में DJ को बैन किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कावड़ यात्रा को लेकर अब बयानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुद्दे पर आज हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मनोज जैन जी मौजूद है, जो सोशल वर्कर भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। एक तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार जो बयानों का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले ओ न्यूज को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग इसी प्रकार से निष्पक्षता, निडरता के साथ राष्ट्र के मुद्दों पर काम करते रहें और राष्ट्र के उत्थान और विकास में अपनी पत्रकारिता के द्वारा आप सहयोग करते रहें। जैसा आपने प्रश्न पूछा है कांवड़ यात्रा के बारे में, इन लोगों ने जिंदगी में सन 1947 से लेकर आज तक बताते हैं 90% टाइम सत्ता में कांग्रेस ही रही है। इनने हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मिसयूज किया है, कभी उनके उत्थान और विकास के बारे में कभी चर्चा नहीं की, उनको सिर्फ गाफिल करके उनका वोट लिया है। अरे तुम्हें शर्म आना चाहिए। मालूम है कांवड़ यात्रा क्या है? करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था उससे जुड़ी है। एक महागरीब से गरीब व्यक्ति भी भूखा प्यासा रह करके, हमने देखा है कई व्यक्ति तो पैर के बल चलते 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 ऐसे ऐसे करके हजारों किलोमीटर पार कर जाते हैं। करोड़ों लोगों की आस्थाओं को 1 सेकंड में है घायल कर देते हैं, उनको क्षति पहुंचा देते हैं, महान दुखी कर देते हैं लोगों को सिर्फ अपने वोट बैंक की खातिर, क्योंकि वह हमारे धर्म की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारा यह भारत सनातनी संस्कृति से हमेशा से ओतप्रोत है। दुनिया भर के लोग हमारे देश में आए, सबको हमने शरण दी, नई नई संस्कृतियां हमारे यहाँ पर आई, हमने कभी किसी के साथ रोक टोक नहीं की। मगर सबसे प्राचीनतम संस्कृति सनातनी हिंदू संस्कृति, उसी के अंतर्गत, उसी धर्म के अंतर्गत यह कांवड़ यात्रा निश्चित रूप से चली है। आज के पहले एक बार जब वह अखिलेश मुख्यमंत्री थे, हमें याद है जब अखिलेश मुख्यमंत्री था तो उस समय इसने सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए, उनको 100% खुश करने के लिए इसने कांवड़ यात्रा में DJ को बैन किया था। तो किसी ने उस समय प्रश्न खड़ा किया था कि और सभी कार्यक्रमों में DJ बज सकते हैं, दुनिया भर के कुकर्म करने के लिए DJ बज सकते हैं, गंदे कामों में DJ बज सकते हैं, परंतु कांवड़ यात्रा में इसने एकमात्र मुसलमानों को खुश करने के लिए अखिलेश यादव ने कांवड़ यात्रा में DJ बंद किया था। इसने किया था। इन लोगों ने सन 1947 से लेके आज तक एकमात्र अपने कुकर्मों के द्वारा, अपने गलत निर्णयों के द्वारा देश को अनंत क्षति पहुंचा करके मात्र मुसलमानों को खुश करने का, गाफिल करने का प्रयास किया है। मगर वास्तविकता यह है, वह लोग भी समझते हैं, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, मुसलमान भी जानते हैं कि यह सिर्फ हमारा उपयोग करते हैं, यूज एंड थ्रो। हमसे काम निकाला, बस फिर उनके बारे में कोई विचार नहीं करना। जैसे वर्तमान में हमारे देश में कहते हैं अगर सभी जातियों का अपन आकलन करें तो अशिक्षा के मामले में सबसे पहला नंबर आता है मुसलमानों का। ये ऐसा किसने किया? उनके पास भी योग्यता है। अगर यह पार्टी वाले लोग चाहते तो उनके भी IAS होते, बड़े बड़े MBBS होते, बड़े बड़े लोग CA उनके सब होते, परंतु कभी भी कांग्रेस पार्टी ने
उनके हित और विकास के बारे में विचार नहीं किया। उनने कहा इनको गाफिली रखने दो, इनको मक्कार और इनको गंवार ही रखो, इनको अज्ञानी बना के रखो, जिससे इनका वोट हमें मिलता रहे। क्योंकि एक बार अगर मुस्लिम जागरूक हो गए, इनके अंदर सच्चा ज्ञान पैदा हो गया, इनको हित और अहित का विवेक आ गया, तो फिर हमारी दुकान चलने वाली नहीं है। ऐसा ही कुछ है केजरीवाल भी दिल्ली में कर रहा है, ऐसा करता है कि 100% इनके वोट पक्के कर लो, क्योंकि इनके अज्ञानता इतनी ज़्यादा है। अगर जामा मस्जिद से एक मौला या मौलवी का फतवा जारी हो गया तो 100% वोट एक जगह चला जाता है। भारत की किसी भी जाति में ऐसा नहीं है। मुल्ला मुलाया मकलेश लालू कितनी भी कोशिश कर लें, 100% इनके यादव के वोट इनके बाप को भी मिल नहीं सकते। कोई भी कितनी ताकत लगा ले, हम जैनों में भी कोई कह दे, मगर कोई जैन एक तरफ वोट डालने वाले नहीं है। ऐसा मात्र सन 47 से आज तक मुसलमानों में होता हुआ चला आ रहा है। कांग्रेसियों को पता है, सपा बसपा आम आदमी पार्टी वालों को पता है कि एक जाति ऐसी है जो मुल्ला मौलवी की बातों में आकर के एक तरफा चली जाती है। 100% वोट, मतलब ऐसा मान लो बीजेपी को एक भी वोट मिलता नहीं है, फिर भी देखो इनका कितना विशाल हृदय, मोदी जी हों योगी जी हों, विशाल हृदय वाले लोग हैं। वह कहते आप बिल्कुल भी वोट मत दो, बिल्कुल भी हमारा सपोर्ट मत करो, आप 24 घंटे हमारी निंदा करो, परंतु हम विकास के मामले में रात के 2 बजे भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे और दिन के 2 बजे भी हम तुम्हारा ख्याल रहेंगे। दुनिया का एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता मोदी योगी से कि आपने विकास के क्षेत्र में मुसलमानों को 1% भी पीछे छोड़ा। आप विचार करो, इनकी मानवता देखो आप, मोदी की मानवता, योगी की मानवता असीमित है, इनका विशाल हृदय है। वो ये कहते आप कुछ भी हमारे बारे में कहो, हम विकास में सबसे पहले तुम्हें आगे लेकर के आएंगे। हरिद्वार के कुंभ के समय पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, इंडिया का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला यदि कोई है तो उसका नाम है कुंभ का मेला। करोड़ों लोग एक एक दिन में 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 लोग तक एक दिन में आते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, वह कुंभ की देन है। इन्होंने कसम खाई है, यह मोदी और योगी के विरोध के चक्कर में राष्ट्र विरोध करने में भी हिचकते नहीं है। इनको 1% भी शर्म नहीं आती कि मोदी योगी के विरोध में हम भारत के विकास और उत्थान में भी कितना बड़ा व्यवधान डाल रहे हैं, कितनी बड़ी बाधा डाल रहे हैं। इनने स्तर अपना इतना गिरा दिया, ऐसा लगता है ये लोग रसातल में चले गए अपने कुकर्मों के कारण। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मुसलमानों से, ना किसानों से, ना भारत से, ना भारत के विकास से, किसी चीज़ से। एकमात्र राजनीति के द्वारा अपने परिवार को, अपने खानदान को, अपने रिश्तेदारों को उतारना। इतनी छोटी सी नौकरी, मुल्ला मुलायम की नौकरी, उस समय टीचर की मालूम है आपको सैलरी 2500-5000 सैलरी थी। हम प्रश्न आपसे ही पूछना चाहते हैं कि अरबों खरबों की संपत्ति है कहाँ से आई है? यह 300-400 करोड़ रुपया खर्च करके सैफई में प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर जैसों का, और वह कौन कौन से लोग हैं उनका डांस कराते थे, भद्दा भोंडा। आप विचार करो, जो महिलाएं भी देख नहीं सकती हैं ऐसा डांस कराने के 100-100 करोड़ इन्होंने पेमेंट किया है। प्रियंका चोपड़ा किसी को 70 करोड़, किसी को 80 करोड़। ऐसे दुष्कर्मों में, कुकर्मों में, आप संस्कृति का प्रचार करने में यह 4-5 अरब रुपया तक खर्चा कर देते थे। इनको एकमात्र सिर्फ वोटों से मतलब है, और वोटों के बाद सिर्फ नोटों से मतलब है। इनको कोई मतलब नहीं है देश से। इन सबके विदेशों में बंगले हैं, 50 देशों में इनके बंगले हैं। भारत भी नष्ट भी हो जाए तो इनको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनका पूरा इलाज, इनके बच्चों की पूरी शिक्षा, इनके ऐसो आराम, ये जाते हैं साल में एक दो महीने वहाँ ऐसो आराम करने। इनकी सब व्यवस्थाएं विदेशों में, कई देशों में इनका है। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको सनातनी हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, इनको एकमात्र वोट और नोट से मतलब है। एक ही कारण है, हमने आपको बताया, भारत में जितनी भी जातियां हैं, जितने भी लोग हैं, एकमात्र जात ऐसी है जिनकी अशिक्षा, जिनकी अज्ञानता के कारण, उनके अविवेक के कारण उनको सेकंडों में इनका एक मुल्ला मौलवी जामा मस्जिद से फतवा जारी करके इनके दिमाग की घुमा देता है। मतलब उनने जैसा कह दिया वैसा, भले वो मुल्ला मौलवी चौथी फेल है, उसकी 5वीं कक्षा की भी मार्कशीट इनके पास नहीं, इनको पता नहीं है, उसने जो कुछ कह दिया वह करना शुरू कर देते हैं। ऐसी पट्टी पढ़ाई उन दाढ़ी वालों ने, ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि यह संविधान को ना मान करके शरीयत को मानते हैं। किसको मानते हैं? शरीयत को मानते हैं। इनकी नज़रों में भारत का संविधान कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को है 0 वाट का बल्ब समझते हैं, कोई मतलब नहीं है। सब कुछ मुसलमानों की बर्बादी का एकमात्र कारण है मुल्ला मौलवी,
वह तारिक फतेह ठोक के कहता है, बोले एक अल्लाह का इस्लाम एक मुल्ला का इस्लाम है, तो इनकी वोटों उनको पता है क्या करना है। मुल्ला ने फतवा जारी कर दिया कि 100% वोट मोदी योगी जैसे महान नेता, हमें लगता है आजादी से लेकर के आज तक भारत की राजनीति में ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ। तो यह गाफिल करके उनके 100% वोट तो अपने कब्जे में कर लेते हैं। बाकी उनको पता है हिंदू विभाजित हैं, जो सपा का हिंदू है वह सपा को ही वोट डालेगा, चाहे वो डाकू है, डकैत है, कुछ भी है। जो बसपा का हिंदू है बसपा को डालेगा। हिंदुओं का दुर्भाग्य है तो वह जिस पार्टी में हो जाता है उसको वोट डालता है, परंतु मुसलमान, हमें तो यहाँ तक लगता है जो शाहनवाज हुसैन हैं, जो शाहनवाज हुसैन और एक दूसरे ना मुख्तार अब्बास नकवी, मुझे डाउट है, मुझे लगता है भले प्रवक्ता हैं बीजेपी के, परंतु हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं वोट यह भी बीजेपी को नहीं डालते होंगे, मुझे ऐसा हमेशा से लगता है। इतने कट्टर होते हैं, फतवा जारी होता है, 100% वोट वहाँ पर जाता है। एक भारत की जाति में ऐसा होता है, उनका नाम है मुसलमान, वो ऐसा, इसलिए इनको है आम आदमी वाले, सपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले उनका पूरा उपयोग करते हैं, परंतु कभी उनका विकास नहीं किया। उनको पता है कि अगर इनके अंदर ज्ञान आ गया तो इन बुद्धू चंदों का, गमारों का हमें फिर वोट नहीं मिलेगा, तो उनको वह अज्ञानी रूप में ही देखना चाहते हैं। यही स्थिति भारत की बनने जा रही है। सबसे पहले तो एक बात आपको हम बता दें, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, मैं इनका किसी का भक्त नहीं हूँ, परंतु रात के 2 बजे भी मोदी योगी जैसी नेता को हमारी गर्दन हाजिर है। अरे कहाँ तुम्हारे देश में ऐसे नेता मिले हैं? आज के पहले किया क्या है, भारत का एक सरपंच होता है, जो वह सरपंच भी करोड़ों रुपए अपने 5 साल के कार्यकाल में कमा लेता है, और मालूम है 6वें साल क्या कहता है कि अब इतना नोट अपने पास आ गया कि विधानसभा के टिकट को हम 2-5 करोड़ रुपए यूं फेंक देंगे। बोले बेटा हम सरपंच थे, जब सरपंच की यह दशा है, आप सोचो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन फूल बेच करके अपने घर का गुजारा करती है, जिसको विश्वास नहीं है तो इसी के इसके इलाके में जाकर के देख लो, आपके पास ऐसा कोई दृष्टांत है? भारत में एक सरपंच की बहन को भी आप फूल बेचते नहीं दिखा पाएंगे, और हम योगी आदित्यनाथ की बहन को आपको फूल बेचते दिखा देंगे। नरेंद्र मोदी के भाई कोई 30,000 की नौकरी करता है, कोई 40,000 की नौकरी करता है, इन लोगों को अपने भाई बहनों से, माता पिता से कोई मतलब नहीं है। इनको पैदा ही किया है भगवान ने कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ भारत को सोने की चिड़ी और विश्व गुरु बनाना है, इससे कम में समझौता मत कर लेना, और जीते जी करके दिखाएंगे। योगी जी आगामी प्रधानमंत्री है भारत का, लिख करके रख लेना, क्योंकि भगवान राम ने, कृष्ण ने, हनुमान ने, भगवान महावीर ने उसको भेजा है कि बेटा तब तक नहीं रुकना जब तक भारत विश्व गुरु ना बन जाए, तब तक मत रुकना जब तक भारत फिर से सोने की चिड़िया ना बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे मनोज जैन जी, जिन्हें हमसे खास बात